अगर आप भी महादेव के भक्त हो और माया नगरी मुंबई में रहते हो तो भोले बाबा का दर्शन इधर नहीं किए तो किधर की घर पे आओ, लेकिन जानवरों से बच के रहो। और चीता इधर तेंदुआ है जंगल में। गाइस आज के लिए बिल्कुल मुफ्त है एंट्री फीस, नहीं तो सोमवार छोड़ के बाकी दिन 60 रुपये फीस है इसका जाने का। इधर पे आने के लिए नायगांव वसई नाला सोपारा किधर से भी आप लोकल रिक्शा पकड़ के आ सकते हो। गाइस आधी चढ़ान पे हम लोग चढ़ चुके हैं। गाइस आधी चढ़ान चढ़ने के बाद मेरे को दिखा कंदमूल, जो कि राम भगवान पूरे 14 वर्ष खाए हैं। अभी हम लोग भी इसका टेस्ट करेंगे। देख सकते हो कंदमूल है। कैसे भाई? 20 रुपये का 3। ये काय का पेड़ है? कंदमूल। देख सकते हो गाइस कंदमूल कैसा होता है, ऊपर लाल लाल है और अंदर से खाने वाला है। देखो बिस्का, गाइस बिस्का 3 है और 50 का 7 है, तो बाकी का पार्सल करवा रहे हैं और खाने के लिए थोड़ा सा रख रहे हैं हम लोग। गाइस एक कंदमूल। हल्का मीठा इसका टेस्ट है। घर के लिए भी मैं पार्सल करवा लिया और थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया। मम्मी भी मेरी नहीं खाई रहेगी शायद। और इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कोई तो फल जैसा है और हल्का हल्का मीठा भी है। और गाइस देख सकते हो भोले बाबा का दर्शन करके जैसे आ रहे भक्त लोग। और अभी हम लोग आधे पहाड़ी पे भी नहीं चढ़े, इधर से पूरा ऊपर तक पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग मस्त लोकेशन पे, इधर देख सकते हो मस्त झरना और ऊपर देखो पूरी ऊपर चढ़ान है, ऊपर एकदम से पहाड़ी पे पूरी चढ़ान है। और इधर देख सकते हो वाटरफॉल और झरना मस्त वाला है, मस्त। गाइस इधर आओगे ना मस्त आनंद ही आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा गाइस आप लोगों को। गाइस हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ते पर चढ़ चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही बड़ा खाई है और पहाड़ी अभी ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग चढ़ चुके हैं। सामने देखो पूरी बहुत बड़ी खाई है और देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चारों साइड पहाड़ है और इसी पहाड़ के ऊपर भोले बाबा का मंदिर है और बहुत ही बड़ा मंदिर और बहुत ही सारे भक्त आते हैं इधर, क्योंकि देख सकते हो कितना भी भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में इधर आते हैं भक्त लोग पूजा करने के लिए और वो भी पैदल चल के पूरे मुंबई से आते हैं। तो आप लोगों को पूरा लोकेशन में बताऊंगा कि इधर से आप लोग आ सकते हो, पूरा गूगल मैप में बताऊंगा। और आपके पास अगर गाड़ी है तो गुजरात हाईवे से आप आ सकते हो इजीली। ऑलमोस्ट पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं, पहाड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और कुछ ही आगे हम लोग जाने वाले हैं मंदिर के इधर। गाइस अपनी बाइक इधर पार्क कर दिया हूँ मैं और ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका हूँ और इधर से अभी पैदल जाना है कुछ मीटर, इधर से पैदल जाना है फिर आगे मंदिर है, फिर मंदिर का आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। और बाजू में देख सकते हो पूरी खाई है, पूरी खाई है देख सकते हो। अब इधर से गाइस पैदल जाना होता है क्योंकि आगे मंदिर है तो भीड़ रहता है, तो उधर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रहती है। देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा तादाद में भक्त लोग आ रहे और देखो इसी के बीच में बारिश आ गई गाइस और सब भक्त लोग भीग चुके हैं। मुझे हिंदू होने पर गर्व है, देख सकते हो। और पूरी पहाड़ी की टॉप देख सकते हो गाइस, ज्यादा नहीं है और इधर ही बाबा के मंदिर बसी हुई है, तुंगारेश्वर महादेव मंदिर गाइस। और उधर पीछे देख सकते हो उधर भंडारा चालू है। और बाबा जी से हम लोग देख सकते हो तिलक लगा चुके हैं मस्त वाला, बहुत ही खतरनाक तिलक लगा रहे बाबा जी।
बाबा जी देख सकते हो गाइस, बहुत ही खतरनाक बाबा जी ने लगाया है टीका। गाइस आप लोग कमेंट करो कैसा लगा आप लोगों को तिलक। और पीछे रहा भोले बाबा का मंदिर, आओ आप लोग दर्शन करो। देख सकते हो बहुत ही लंबी लाइन है, मंदिर रही पीछे और मंदिर से बहुत ही लंबी लाइन है। ये तो अभी तो शाम का वक्त है, भोले बाबा का दर्शन करना सुबह सुबह आप लोग आओ, सुबह सुबह तो बहुत ही बड़ी लाइन रहती है। और इधर देख सकते हो बच्चे लोग को खेलने के लिए इधर गार्डन है। गाइस देख सकते हो इसमें पीकॉक, मशरूम, हंस मस्त बनाया हुआ है गाइस। गाइस देख सकते हो इधर ऊपर बंदर भी लोग भी है और बंदर लोग के लिए केला रखा हुआ है। तो बंदरिया है गाइस जो कि प्रेग्नेंट है, अभी पेट में इसके बच्चा है। मत मत, अरे वो आया। गाइस देख सकते हो डेंजर, और इधर बहुत सारे पब्लिक नहा रहे। गाइस और एक टूरिस्ट प्लेस पे सब लोग आके इधर नहाते भी हैं, देख सकते हो बहुत ही। गाइस हाइडन प्लेस पे सब लोग आके इधर नहाते भी है और बहुत ही इधर बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में इधर टूरिस्ट आते हैं, और इधर आप भी आ सकते हो। गाइस अब घर के लिए हम लोग निकल रहे हैं और वीडियो को करते यहीं पे एंड। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलो गाइस।